इस वीडियो में हम आपके साथ 25 बायोलॉजी के क्वेश्चन शेयर करेंगे जो कि हर साल किसी ना किसी फॉर्म में नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके इस साल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड ये 25 क्वेश्चन है जिसमें कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो यानी कि टोटल जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी नॉलेज चेक करनी है, यानी कि आपने कितना पढ़ लिया है और आपको कितना और पढ़ना चाहिए। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद आपको उसका आंसर बताएंगे। इतने में आपको उसका जो आंसर है अपने माइंड में सेट कर लेना है। यदि आपका जो क्वेश्चन है वो सही होता है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे और गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इस तरह अगर आपके सारे आंसर सही होते हैं तो आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। तो लास्ट में जो रिजल्ट आता है आपको वो कमेंट करके बताना है कि आपका कितने क्वेश्चन सही थे एंड कितने गलत थे एंड आपका मार्क्स कितने आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेस्पायरेशन अकर्स, यानी कि रेस्पायरेशन कहाँ होता है? ओनली इन नॉन ग्रीन सेल्स इन लाइट, ओनली इन नॉन ग्रीन सेल्स बोथ इन लाइट एंड डार्क, इन ऑल लिविंग सेल्स बोथ इन लाइट एंड डार्क, इन ऑल लिविंग सेल्स ओनली इन लाइट। तो इसका आंसर आप अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए और हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा 3, इन ऑल लिविंग सेल बोथ इन लाइट एंड डार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, इनमें से कौन एक इंसेक्ट नहीं है? तो एंट, मॉस्किटो, स्पाइडर एंड लोकस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी कि स्पाइडर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी मोर अप्रोचिएट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसमें से फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी समीकरण सर्वाधिक मान्य होगी? तो 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 2, 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज SA नोड, AV नोड, AV सेप्टम या फिर IA सेप्टम। तो उसका राइट आंसर होगा SA नोड। इसके बाद, ड्यूरिंग नाइट अ पर्सन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री बिकॉज द ट्री, यानी कि रात्रि में एक व्यक्ति पेड़ के नीचे नहीं सोता, ऐसा क्यों? तो ऑप्शंस हैं, रिलीज O2 ड्यूरिंग नाइट, डज नॉट रिलीज CO2 ड्यूरिंग नाइट, रिलीज CO2 ड्यूरिंग नाइट, रिलीज वाटर ड्यूरिंग गटेशन। तो इसका राइट आंसर है 3, रिलीज CO2 ड्यूरिंग नाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ब्लड सेल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द ब्लड द लिक्विड लेफ्ट इज, यानी कि यदि खून से कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो शेष लिक्विड क्या होगा? तो 4 ऑप्शन है, सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ या फिर साइनोबियल फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? 4 ऑप्शन है, पी, वीट, राइस या मेज। तो इसका राइट आंसर होगा पी, मटर। सेकंड क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन्स एनक्लोजिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज, यानी कि मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं? मेनिंजेस, मेनिंजाइटिस, नेफ्रोन या फिर एक्सोन। तो इसका राइट आंसर है मेनिंजेस। डाइटम इज द अनदर नेम ऑफ, डाइटम किसका नाम है? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर गोल्डन एल्गी। तो इसका राइट आंसर होगा गोल्डन एल्गी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ मैमल, इनमें से कौन एक मैमल नहीं है? बर्ड, कंगारू, डॉग या फिर ह्यूमन। राइट आंसर है बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉयल इज कंपोस्ट ऑफ, यानी कि मिट्टी किसकी बनी होती है? मिनरल प्लस वाटर प्लस एयर, मिनरल प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस एयर, मिनरल प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस एयर प्लस वाटर, या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्लस वाटर। तो इसका राइट आंसर है 3, मिनरल प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस एयर प्लस वाटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि यूरिक एसिड किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? फ्रॉग का, मैन, अर्थवर्म या फिर कॉकरोच? तो इसका राइट आंसर है 4, कॉकरोच। कॉकरोच जो कि एक इंसेक्ट है, तो इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स पर हेक्सोस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन इज। तो चार ऑप्शन है 12, 18, 30, 36। तो इसका राइट आंसर होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू पेरेंट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस देन इट कैन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बोथ सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीथ आर चीफली मेड अप ऑफ, दांत मुख्यतः किसके बने होते हैं? इनेमल, डेंटाइन, पल्प या फिर ओडेंटोब्लास्ट? तो इसका राइट आंसर है बी, डेंटाइन। व्हाट आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? तो फ्रूट एनक्लोज्ड इन पॉड सच एज पी, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, वेरी हार्ड फ्रूट्स, फ्रूट्स विद मोर देन वन सीड एट देयर सेंटर। तो इसका राइट आंसर है 2, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, इनमें से कौन एक लिविंग फॉसिल नहीं है? साइकस, किंग क्रैब, स्पेलेडोन या फिर आर्चियोप्टेरिस? तो उसका राइट आंसर होगा डी, आर्चियोप्टेरिस, जो कि एक लिविंग फॉसिल नहीं है। इसके बाद कंपनसेशन पॉइंट इज, यानी कि संतुलन बिंदु होता है। चार ऑप्शन है, वेयर देयर इज नाइदर फोटोसिंथेसिस नॉर रेस्पायरेशन, व्हेन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पायरेशन, व्हेन एंटायर फूड सिंथेसाइज इनटू फोटोसिंथेसिस रिमेन यूटिलाइज्ड, व्हेन देयर इज इनफ वाटर जस्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो इसका राइट आंसर है बी, When rate of photosynthesis is equal to the rate of respiration। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड responsible for immunity is। चार ऑप्शन है, pineal, thymus, pituitary या फिर adrenal। तो इसका राइट आंसर होगा 2, thymus। इसके बाद biological O2 demand, यानी कि BOD measures, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स, सोयल पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी रिलीज इन बोथ रेस्पायरेशन एंड बर्निंग ऑफ कॉल, बट रेस्पायरेशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ड्यू टू कंट्रोल थ्रू एंजाइम्स, कंट्रोल थ्रू हार्मोन, कंजप्शन या फिर रेस्पायरेटरी सब्सटेंस। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल थ्रू एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 94, एनारोबिक रेस्पायरेशन ऑफ शुगर फॉर्म्स, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ग्लूकोज प्लस CO2, एथिल अल्कोहल प्लस CO2 या फिर H2O प्लस CO2। तो इसका राइट आंसर होगा 3, एथिल अल्कोहल प्लस CO2।
क्वेश्चन नंबर 95, टू सिस्टम विच एग्जर्ट अपोजिट इन्फ्लुएंस ऑन द सेम ऑर्गन और सेट ऑफ ऑर्गन्स आर, यानी कि किसी अंग या अंगों पर विपरीत प्रभाव प्रदर्शित करने वाले दो तंत्र हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम्स, मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, या फिर सिंपैथिक एंड पैरासिंपैथिक सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा 4, सिंपैथिक एंड पैरासिंपैथिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 96, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हार्ट, लीवर, स्प्लीन या फिर पैंक्रियाज। तो इसका राइट आंसर होगा लीवर। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी कि शुक्राणु का एक्रोस्पर्म किससे निर्मित होता है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड, सेंट्रोसोम ऑफ स्पर्मेटिड, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्मेटिड या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड। तो इसका राइट आंसर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं जो कि 100 मार्क्स के थे, और आपको सही आंसर पर 4 मार्क्स जैसे कि हमने बताया था मिलते हैं, एंड गलत मार्क्स पर आपका, गलत आंसर पर आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो जितने भी आपने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं एंड जितने भी आपके मार्क्स आए हैं वो आपको कमेंट करके बताने हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं और आपको कितने मार्क्स मिले हैं।